Actually, this question comes from a lot of people. So let me ask you, Mr. Prime Minister, given your hectic schedule and enormous responsibilities, how do you maintain stamina and optimism on a daily basis? And where do you find the time to tweet and do Facebook? जब मैं दुनिया को देखता हूं, मैं कभी मेरे देश की सेना के जवान को इतनी कठिन परिस्थिति में, कभी बर्फ के बीच में, तो कभी रेगिस्तान में, तो कभी पानी में, घंटों तक देश की सेवा के लिए खड़ा हुआ, और उसके लिए मैं सोचता हूं, कभी मैं किसी मां को घंटों तक मजदूरी कर करके अपने बच्चों को बड़ा करते हुए देखता हूं, किसी मजदूर को अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए जिंदगी घसीटते हुए देखता हूं, तो मुझे लगता है कि जब ये लोग इतना करते हैं तो मुझे चैन से सोने का हक नहीं है। ये कॉमन मैन मेरा इंस्पिरेशन है, और इसलिए बिना थके बिना रुके, आपको जानकर के जरूर आश्चर्य होगा, मैं 2001 से प्रत्यक्ष इस प्रकार की लाइमलाइट की लाइफ में आया हूं। मुख्यमंत्री बना, उसके बाद प्रधानमंत्री बना, मेरी जिंदगी तो पहले भी ऐसी ही थी, लेकिन 2001 के बाद कैमरा मेरे सामने आया और दुनिया को पता चले कि ऐसी भी कोई जिंदगी होती है। लेकिन अगर मैं 2001 से अब तक देखूं, मैंने अभी तक 15 मिनट वैकेशन नहीं लिया है 2001 से आज तक, और फिर इसके लिए अपने आप को फिट रखना, और फिट रखने में जितना शरीर की को ठीक रखना महत्व है, उतना मन को भी है। अगर हम अपने आप को डिटेच रखते हैं, किसी बात का मोह नहीं रखते हैं, मैं समझता हूं बहुत आराम से आप जिंदगी के निर्णय कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के बर्डन के बिना आप आगे चलते चले जाते हैं।